थाना जसराना क्षेत्र जाजुमई नहर में डूबे युवक का शव मिला। कल गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन करने आए लोगों के संग आया था, तभी डूब गया था। थाना जसराना क्षेत्र जाजुमई नहर में बीते दिन गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबे युवक का सुराग हाथ लग गया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसका शव आज मिल गया। जसराना इंस्पेक्टर आरबी सिंह ने बताया, युवक फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र बीकनपुर निवासी जयदेव पुत्र रामवीर का शव मिल गया है। पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। ये सरकारी जानकारी क्षेत्रीय संवाददाता ने देते हुए मृतक की उम्र करीब 20 वर्ष बताई है। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मतलब क्या घटना हुई थी इनके साथ सुखदेव? कल मतलब हम और ये हमारे साथ में जो लड़के थे और भी काफी लोग गए थे मतलब गणेश विसर्जन में, तो वहाँ नहाते समय इनका मतलब थोड़ा। कौन सी जगह गए थे आपने? हम गए थे यहाँ जाजुमई वाले पुल पे, तो वहाँ नहाते समय मतलब काफी तेज लहर आई पानी की, उसके कारण इनका पैर फिसल गया और जो उसमें बहते हुए चले गए। तो कल शाम से हमने काफी ढूंढने की कोशिश की और पुलिस वालों को फोन किया, वो करीब एक डेढ़ घंटे बाद आए और भी प्रशासन आया, मतलब काफी अधिकारी लेवल के लोग आए और ढूंढते ढूंढते रात हो गई, फिर वो नहीं मिले। सुबह फिर हमने 4 बजे से जाके मतलब ढूंढने का नंबर लगाया, तब अभी जाकर हमको बॉडी प्राप्त हुई, मतलब वो करीब अभी 2 बजे मिली है। तो बहती हुई जा रही थी कैसे? हाँ, बहती हुई जा रही थी। जो जाजुमई से आगे ये आपका ये बदनपुर का ये कटेना वाला ये पुल पड़ता है, उसके नीचे से क्रॉस होके निकल गई, तब ये हमारे साथ वाले लोगों ने यानी बुजुर्गों ने कुछ उन लोगों ने पकड़ा जाके मतलब रस्सी वस्सी फेंक फाँक के काफी भाई दौड़ करके, तब उन लोगों ने साथ में कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई नहीं था, जो तो हमारे बुजुर्ग थे उन लोगों ने मतलब वहाँ सुबह से अपना समय व्यतीत किया और उनको निकाला, क्योंकि तब उसको वहाँ से निकाला बॉडी को। ठीक।